हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी फेवरेट सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये देखें, ये है ना करेले। जब भी आप लेंगे इसको वॉश कर लीजिए और फिर यहाँ पर ऑनलाइन के आगे ये जो है ये वाला हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा ये नहीं काटना, बिल्कुल नहीं काटना। पहले सिर्फ पहले इसका ये पेट फाड़ो, इस तरह से फाड़ो। अगर नरम बीज है तो ठीक है, और ज़्यादा कड़ी बीज है आपको नहीं चाहिए हैं तो आप इनको हटा भी सकते हैं। देखो मैंने सब में चीरे लगाए और देखो मुझे यहाँ पे थोड़ी पुरानी सी बीजें मिल रही हैं, इन बीज को मैं निकाल देती हूँ इस तरह से। ये आपके पास पीलर होता है ना, थोड़ा सा कर्व होता है, उससे वो आराम से निकल जाती हैं। इनको आप निकाल लीजिए और ये देख लीजिए, सब करेलों को मैंने ऐसे आराम से, इसको मैंने कट लगाया कि नहीं लगाया। देखो इसमें अगर आपको लगता है कि इसकी बीज आपको नहीं पसंद, आप हटा भी सकते हैं और रखेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। बहुत अच्छा लगता है, सब्जी बड़ी भी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और वो बीज भी टेस्टी लगते हैं। ये देखो, ये जो छोटा साइज तो लग रहा है लेकिन इसके जो हैं ये सारे हैं बीज ना, देखो ये पुराने वाले बीज लग रहे हैं। तो मैं इनको अच्छे से सबको निकालूंगी, अच्छा सा पीलर होता है ना, अपना पीलर आराम से निकल जाता है। यहाँ देखिए ये सब निकल जा रहे हैं, देखो आपस में ऐसे करके इसको पूरा अंदर से देख, कितना अच्छा साफ हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको इसमें भी थोड़ा सा है और थोड़ा सा, तो मैंने इसे साफ कर लिया। और एक और है ये, तो ये पीलर से हम इसको आराम से ऐसे ना, पीलर आपके पास होता है इस तरह का, इससे भी थोड़ा सा आराम से इसको थोड़ा निकालोगे तो ये निकल जाएगा। बस इतना ध्यान रहे, जब भी आप करेला लाएंगे, आप जब इसको सब्जी बनानी है, आप इसको वॉश करने के बाद ये वाला हिस्सा नहीं काटना और ये पीछे वाला ये भी नहीं काटना। जैसे हम ककड़ी को काटते हैं ना, फिर घिसते हैं, फिर उसको कड़वापन निकालते हैं, अगर हम इसका कट से काड़वा ये काटेंगे, मैंने हमेशा इसको मतलब मैंने महसूस किया या फिर कह दीजिए आप, मैंने यही रिसर्च किया कि इसको जब आप काटते हो तो फिर एकदम से कड़वापन अंदर इन मतलब लॉक हो जाता है कड़वापन। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इसमें ये देखेंगे आप, सॉल्ट लिया मैंने, ये सॉल्ट रखा है, इनको ढेर सारा आपको दो चम्मच मैंने सॉल्ट ले लिया, ये जो है ये सॉल्ट है यहाँ। और उसके साथ साथ आपने देखो, इसके बाद आपने हल्दी लेनी है, एक भरा चम्मच भर के हल्दी ले लीजिए आप उसमें। और ये हल्दी है ना, ये हल्दी देखिए, ये हल्दी और ये नमक, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्सअप कर लीजिए, ऐसे मिक्स कर लीजिए इसको। उसके बाद जो हमने करेले ये खाली किए ना, इनमें अंदर की तरफ इस तरफ देखिए, आप सब जानते हैं बट ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो मुझे लगा मैं सबको बताऊँ ताकि कोई कड़वा भी नहीं लगेगा और आपको मज़ा आएगा। तो ये मैं इसकी प्रिपरेशन आपको दे रही हूँ। और इसके बाद जो मैं इसकी दो तरह की सब्जी बनाती हूँ, एक तो मैं प्रॉपर सब्जी जो हम ऑयल वगैरह सब डाल के मसाले करके बनाते हैं काट के वो, पर एक चीज़ है जो मैं इसको छोटे छोटे लंबे लंबे इनके मैं काटती हूँ, इनके जब मैरिनेट हो जाएगा एक दो घंटे के लिए छोड़ दीजिए तो ये सारा कड़वा पानी इसका छूट जाएगा, कड़वा पानी निकल जाएगा। जब आप इसको फिर स्लिट करके फिर उसके बाद या आगे ये वाला और ये वाला हिस्सा इसके बाद आप काट सकते हैं, जब ये आप प्रिपेयर करोगे। देखो इस तरह से सब के ऊपर हल्दी और नमक, अंदर अंदर की तरफ देखिए, अंदर भी डाला है मैंने इसके, ये देखो इस तरह से अच्छे से भर दीजिए, ताकि ये सॉल्ट और ये हल्दी जो है इनका जो कड़वा पानी है ये निकालने के लिए इनको मदद करेगा। तो हफ्ते में एक बार जो है हमारे घर में करेले की सब्जी बनती ही है और इतनी टेस्टी बनती है कि बस, जो बचती है तो हम उसको ब्रेकफास्ट में भी खा लेते हैं पराठों के साथ और मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी बनती है। आई लव करेला, गाना है करेला करू लागत है कुंदरू मीठा ते, करेला करू लागत है, मैंने वहाँ थे छत्तीसगढ़ में तो एक गाना है वहाँ पे बजता था, इसको देख के मुझे वही याद आया,
कि करेला तो कड़ू लगता है, कड़वा होता है, लेकिन कुंदरू जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं, कुंदरू की सब्जी कहीं खाई है, छोटे छोटे होते हैं ना ककड़ी की जैसे छोटे छोटे, वो ना, तब आप इसको देख सकते हैं। ये मेरे मैरिनेट के लिए रेडी हो गए मेरे करेले। ये इसका जो वेस्ट पार्ट है, थोड़ा ज़्यादा नहीं निकला क्योंकि अच्छे थे ये करेले, कच्चे कच्चे ही थे, और पीलर से और छुरी की सहायता से मैंने इनको कट भी लगाया, इनको खाली किया और हॉलो हॉलो बना के फिर इसको हल्दी नमक लगा के अब इसे मैं छोड़ दूँगी। अब शाम को 4-5 बजे जब मैं सेकेंड पार्ट इसका बनाऊँगी कैसे करते हैं तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और करेला ज़रूर खाइए, पेट के लिए अच्छा होता है, कड़वा से स्किन भी अच्छी होती है, पेट के रोग दूर होते हैं, पेट के कीड़े मरते हैं, आपकी ये हेल्थ है। सो ग्रीन वेजिटेबल और करेला एवरी वीक 1 से 2 वीक ज़रूर खाइए। सब्सक्राइब कीजिए।